स्टूडेंट आई एम गोइंग टू टेक योर क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम संस्कृत में पाठ 3 को पढ़ेंगे बच्चों। तो पाठ तीन का नाम क्या है? महताम अपि महान। ठीक है, उपपद विभक्ति प्रयोग कैसे करेंगे ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो एक उपपद विभक्ति क्या कहते हैं, क्या होता है? जब किसी विशेष पद के कारण किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी किसी विशेष पद के कारण किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है तब उसे क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति। ओके, तो आइए देखते हैं। अब इसमें देखिए ये कुछ लोग हैं आपस में कैसे बातें हो रही हैं इनमें। शिक्षक, शिक्षक क्या कहते हैं? छात्रा किम युवं जानित महाराज रणजीत सिंह नेत्रेण काणा आसीत। यानी शिक्षक, छात्रों क्या तुम जानते हो, शिक्षक छात्र से क्या कहते हैं? छात्रों क्या तुम जानते हो महाराजा रणजीत सिंह की एक आँख यानी नेत्र में आँख और काना यानी काना, काने यानी अंधे, एक आँख से काने थे। क्या तुम जानते हो कि महाराजा रणजीत सिंह एक आँख से अंधे थे यानी काने थे, जाने थे नहीं जाना। शिष्या यानी शिष्यगण क्या कहते हैं? आम वयम जानीम, हाँ हम सब जानते हैं। शिक्षक किम इदम अपि जानित यत स जन्मना काणः नासीत। क्या यह भी जानते हो कि वह जन्म से काने नहीं थे, यानी जन्म से क्या यह भी जानते हो कि जन्म से काने नहीं थे। शिष्यगण क्या कहते? तैर कदा स काण अभवत। शिष्यगण तब फिर वह कब काने हुए, यानी वे नहीं जानते थे तो पूछे तब वह कब काने हुए, तही यानी तब वह कब काने हुए। शिक्षक काचित वृद्धा पाषाण खंडे प्रहाणेण त नेत्रेण काण अकरोत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी बुढ़िया के पाषाण खंड यानी पत्थर मारने के कारण क्या हुए थे, वो एक नेत्र से अंधे हुए थे। शिष्यगण क्या कहते हैं? फिर शिष्य किम वदति भवान धिकता वृद्धाम, आप किसी बुढ़िया को यानी तब फिर वह काने हुए, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं उस बुढ़िया को, धिक्कार है यानी किम, आप क्या कहते हैं, धिक ताम वृद्धाम, उस बुढ़िया को धिक्कार है। तो शिक्षक क्या कहते हैं? आम आश्चर्य मिदम यत सह तस्य वृद्धाय अन्नम धनम च अयच्छत। यानी शिक्षक क्या कहते हैं? हाँ यह आश्चर्य है कि उन्होंने उस बुढ़िया को अनाज और धन दिया, यानी चोट लगने के बाद उन्होंने उस बुढ़िया को क्या किया है, अन्न और धन दिया है। ठीक है, बड़े आश्चर्य की बात। शिष्य क्या कहती हैं? शिष्यगण उन्होंने यानी किमर्थम सह एवं अक्रोत, किमर्थम उन्होंने ऐसा किस लिए किया है, उन्होंने ऐसा किस लिए किया। ठीक है, किमर्थम किस लिए एवं अक्रोत, ऐसा किस लिए किया। भवान आप हम सबको भवान महाराजा रणजीत सिंह से कथाम श्रावयत असभ्यम कथा अथी, यानी आप हम सबको भवान मतलब होना, आप हम सबको महाराजा रणजीत सिंह की कथा सुनाइए, श्रावणयत कथा सुनाइए। असभ्यम इस क्या होता है बेटा, देखो कथा सुनाइए, हमें कहानी बहुत अच्छी लगती है। असभ्यम कथा अथी, हमें कहानी रोचते, हमें कहानी बहुत अच्छी लगती है। ओके, तो आइए ये देखते हैं बेटा, महान अपि महानम हो गया, उसके बाद ये देखिए। तो फिर शिक्षकगण क्या कहते हैं? शिक्षक देखिए, शिक्षक क्या कहते हैं कि श्रीणुत, सुनो अब कहानी सुने। एकदा स भटय स ग्रामम अगच्छत, एक बार देखिए, अब मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर उसको पढ़ाता। तत्र सह स्वामित्रस्य गृह प्रति अगच्छत, तदा एव तस्य नेत्रे एकं पाषाणखण्डम् अपतत। एका वृद्धा तत् पाषाणखण्डम् अक्षिपत, सैनिका शीघ्रम् एवं ता वृद्धाम् अभित अधिष्ठन तस्य अक्रोधेन च। देखिए अब यहाँ का क्या कहते हैं, सुनो एक बार वह शिष्यों के साथ कहाँ आए थे, गांव में गए, भटय यानी शिष्यों के साथ, भट में शिष्य के साथ गांव में गए। तत्र सह स्वामित्र से गृहम,
तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ वो अपने मित्र के घर की ओर जा रहे थे, यानी स्वामित्रस अपने मित्र के घर की ओर जा रहे थे। तदा तभी एवं तस्य नेत्रे एकम पाषाणखंडम, अब तब तभी एक पाषाण खंड यानी एक पत्थर का टुकड़ा आके उनको लगा। एका वृद्धा तत्पाषाण खंडम अचिपत। फिर उसके बाद क्या हुआ, तभी क्या हुआ कि पत्थर आके गिरा। फिर उसके एका वृद्धा तत्पाषाण खंडम अचिपत, यानी अचानक ही जब वो मित्र के घर जा रहे थे तभी उनकी आंख पर एक पत्थर गिरा। सैनिक जल्द ही उस बुढ़िया के चारों ओर खड़े हो गए और उस पर क्रुद्ध हो करने लगे। देखिए, एका वृद्धा तत्पाषाण खंडा अचपता अचपत सैनिका शीघ्रम एवं तावृधम, यानी अचानक उनके उनके पर क्या गिरा, पाषाण खंड गिरा। फिर उसके बाद सैनिका, देखिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लग गया है, सैनिका शीघ्रम सैनिक शीघ्र ही उसे वृद्धा वृद्धा यानी बुढ़िया को क्या किए, पकड़ लिए। अतिष्ठन तस्य यक्रुद्धं च, और उस पे सैनिक क्या होने लगे, क्रुद्ध होने लगे, यानी उसको चारों ओर से घेर के पकड़ के उस पे क्रुद्ध होने लगे। ठीक है, तदा महाराजा रणजीत सिंह तावृधाम अपृच्छत। तभी महाराजा रणजीत सिंह उस वृद्ध से पूछते हैं, यानी उस वृद्धा से पूछते हैं, त्वं मा किमर्थम अमारय, तुमने मुझे किस लिए मारा, हमारे यानी मारा। सावदत, उसने बोला, ना ना नहीं नहीं अहम भवंत न हमारे हम, नहीं नहीं मैंने आपको नहीं मारा, मैंने आपको नहीं मारा। फिर उसके अहम मम शिशव च छूछताम आसन, मेरे बच्चे क्या है, मेरे शिशु यानी शिशु मेरे बच्चे क्या है, छूछताम यानी भूखे हैं। अहम वृक्षात फलम पाती तुम इच्छम, मैंने क्या किया, मैं पेड़ से फल गिराना चाहती थी, अतः फलाया पाषाण खंडे। अच्छा, इसीलिए आपको ये फल, ये पाषाण खंड आप पे आके गिर गया महाराजा। तब महाराजा बोले, अहम अवजानम, मैं जान गया यानी हम जान गए, तुम गच्छ तुम घर जाओ। भटेभ्य, शिष्यों से बोलते हैं अपने, भटेभ्य च आदेशम, वो अपने शिष्यों को आदेश देते हैं। अच्छा, यत्र तस्य वृद्धाय पर्याप्तम अन्नम धनम च यच्छेत, आप लोग तुम लोग जाओ और इस वृद्धा को पर्याप्त धन दो, अनाज और धन। ठीक है, एक सैनिक उदत, एक सैनिक बोला, महाराजा इयम त्वां पाषाण खंडे अमारे अत, इसने आपको पाषाण खंडे से मारा है यानी पत्थर के टुकड़े से, चतस्य दंडम यच्छत, आपको उसे दंड देना चाहिए यानी दंडे और तसे उसे। महाराजा उदम, महाराजा बोले, ना माम, नहीं नहीं मुझको नहीं, सा वृक्ष मारते अस्मत, नहीं नहीं वो मुझको नहीं वृक्ष को मार रही थी। तदापि वृक्ष तसे फलम यच्छति हम च पुनर्नृप अस्मम, वह तब भी पेड़ उसको फल देता है तो मैं तो राजा हूँ, यानी यह जब पेड़ को मार के पेड़ से फल लेती है तो मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों नहीं इसको दूंगा। ठीक है बेटा, तो आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब यह था, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में इसमें कहा गया, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। ओके, थैंक यू।